चल रही है अवैध वसूली को लेकर छात्रों का हंगामा जारी है। छात्रों ने आधार कार्ड के नाम पर वसूली का आरोप लगाया है कि आधार कार्ड के नाम पर वसूली की जा रही है 200 से लेकर 500 रुपए तक आधार कार्ड बनाने के नाम पर वसूले जा रहे हैं। तो 200 से लेकर अगर 500 रुपए तक आप देते हैं तभी आधार कार्ड बन पाएगा, ऐसा आरोप है। हंगामा बढ़ता देख हालांकि पोस्टमैन मौके से फरार हो गया। थाना के ठौर क्षेत्र के उप डाकघर का यह मामला है। मेरठ से बड़ी खबर, अवैध वसूली को लेकर छात्रों का हंगामा है। छात्रों का आरोप है कि 200 से लेकर 500 रुपए तक वसूले जाते हैं आधार कार्ड बनाने के नाम पर। तो आधार कार्ड बनाने को लेकर धन उगाही की जाती है। अगली बड़ी खबर मिल रही है।